कविता आप तक पहुंचाता हूं। आप सबने और हम सबने, पूरा हिंदुत्व समाज बैठा है, हम सबने प्रतीक्षा की कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। अब मैं यहां देखूंगा मेरे तेवर को मुझे कितने मिनट तक खड़ा रहना है। भाई साहब जो पीछे बैठे हैं ना, हम अपने आप को आहूत करते हैं, दिन रात महीना लगाते हैं, तब कुछ पंक्तियां परमात्मा माँ छठी हमारी झोली में डालती है, हम वो लेकर के आपके बीच पहुंचते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मुझे और आनंद आएगा। मैं प्रारंभ होता हूं, ये कविता आप संभालिएगा, जिसकी पंक्ति जी न्यूज से बहुत वायरल हुई उस वक्त, जिस वक्त हम इस प्रतीक्षा में थे कि यह सरकार नहीं आएगी और फिर भी मंदिर बनेगा या हमें ऐसे ही लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। वही कविता, वही पंक्ति, जब मंदिर बनना प्रारंभ होता है तब कविता किस प्रकार परिवर्तित होती है, मैं प्रारंभ करूंगा। जितने भी लोग हैं आनंद से सुनिएगा, हम सब ने बहुत प्रतीक्षा की और अब वह प्रतीक्षा का क्षण, वह पल आ चुका। हम सब ने देखा दीपावली और लाखों दीपक जलते अयोध्या के सरयू तट पर, और राम मंदिर का प्रगति से चल रहा कार्य, और हमारे अंतर मन का कहीं वह हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जो हमारे मन में विराजे हैं वो क्या सोचते हैं, आप सुनिएगा। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा, मुझे यहां से बता दीजिएगा कि मुझे 10 मिनट पढ़ना है 15 मिनट पढ़ना, मेरी कविता कैसे सुनते हैं आप सुनिएगा। रामचंद्र कह रहे सिया से, भाई साहब जो भी इधर उधर कर रहे हैं बैठ जाइए, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं, आप बैठ जाइए, बहुत आनंद आएगा मुझे, वरना मेरा काम हो चुका है, मैंने जितने चुटकुले सुना दिए मेरा पेमेंट हो गया। आप सुनेंगे तो मैं और 15-20 मिनट आधे घंटे सुनाऊंगा। रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा, अवधपुरी में खुशियां छाई मंगल गीत सुनाओ। रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा, अवधपुरी में खुशियां छाई मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवना मंगल हारी दसों दिशाएं गाती हैं, चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुन आती है, और कलकल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई, और खुशी से झूम रही हर रोज अवध में पुरवाई। रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा, अवधपुरी में खुशियां छाई मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवना मंगल हारी दसो दिशाएं गाती हैं, चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुन आती है, कलकल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई, और खुशी से झूम रही हर रोज अवध में पुरवाई। कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे, कितनी ही सबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे, कितनी ही सबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। और सुनो सिया, अब राम नाम चहु और सुनाई देता है, अब जुड़ जाना साथियों। सुनो सिया, अब राम नाम चहु और सुनाई देता है, भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है। सुनो सिया, अब राम नाम चहु और सुनाई देता है, भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोक कलेजा कहता है। वर्षों के संतासों का तिरपाल ही हमने फाड़ दिया, वर्षों के संतासों का तिरपाल ही हमने फाड़ दिया, और बाबर की छाती पर भगवा हमने गाड़ दिया, और बाबर की छाती पर भगवा हमने गाड़ दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बाबर की छाती पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि खाली कुर्सियों में भी जान डाल सकूं, आपका संबल चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं बात कर रहा था कि वर्षों के संतरासों का तिरपाल ही हमने फाड़ दिया, और बाबर की छाती पर भगवा हमने गाड़ दिया। बात हो रही थी बेटियों की, बात हो रही थी देश की, बात हो रही थी छठी मैया की। ये वो बहने वो बेटियां हैं, जब ये संबंध और शौर्य को एक साथ रेशम के धागे में पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य करती हैं, तब जाकर इन वर्दी वालों की कलाइयों को सामर्थ्य मिलता है कि संगीन थाम कर दुश्मन की गोलियों का सामना कर पाते हैं, उन्हें प्रत्युत्तर दे पाते हैं। जब ये बहने आज हम और आप बैठ करके बड़गांव में ये महोत्सव आयोजित करके यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं सुकून की सांस ले रहे हैं, तो आइए चार पंक्ति उन बहनों के स्नेह का सरहद तक पहुंचाते हैं। बहने क्या लिखती हैं, बहने लिखती हैं, बहने कहती हैं कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए, भैया की कलाई सुनी रह ना जाए, पीछे वाले भाइयों सुनना जुड़ना, और लगे कि सर्द में गर्मजोशी थोड़ी सरहद तक भी पहुंचा दे तो जुड़ जाइए, कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई। और बहुत आनंद आ रहा है कि एक बहन बैठ करके सुन रही है, कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना,
तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है, और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे ना तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे ना तनिक मेरे भाई की कलाई है। आपकी तालियां अभी भी कमजोर है, शायद मेरे काव्य पाठ में थोड़ी कमी रह गई, मैं और जोर लगाता हूं। अब उस भाई का प्रत्युत्तर आता, वो भाई जिसकी रेशम की तरह नाजुक बहन इस प्रकार सौरे को राखी में पिरोकर भेजने का सामर्थ्य रखती है, उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर आ रहा है, उस फौलादी जवान का प्रत्युत्तर आ रहा है जो सरहद पर अपने सीने को तान करके कहता है आ जाओ दुश्मन की गोली हम खड़े हैं, उस भाई का प्रत्युत्तर आ रहा है, उस आपके साथी का प्रत्युत्तर आ रहा है, उस आपके बेटे का प्रत्युत्तर आ रहा है। प्रत्युत्तर संभालिएगा। भाई लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराए। और संभाल कर दिखाइएगा चौथी पंक्ति, लगे मुझे के खाली कुर्सियां भी ताली बजा रहे। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। वैभव तिरंगे का ये अभी दूसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे, और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे, और तिरंग में लिपट कर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। लोग अक्सर कहते हैं क्या आवश्यकता है दिनेश अंगार में बात करने की, प्यार की भाषा में भी बात की जा सकती है, श्रृंगार की बातें लिखो, तब लिखना पड़ता है। जब जब लिखने बैठा क्यों आवश्यकता पड़ गई कि अपने कमलम के हर एक शब्द को हमने अर्पित कर दिया इस देश को जागृत करने के लिए। चुटकुले तो सुबह तक सुनाए जा सकते हैं, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, सुनिएगा चंदन जी, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी हमेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है। लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कटा। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं। एक मुझे प्रसंग याद आता है, बेटा बैठ जाओ बस एक मिनट और पढ़ूंगा, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए एक मिनट के लिए, बैठ जाइए एक मिनट के लिए, बैठ जाइए एक मिनट के बाद आप। एक विद्यालय में, भाई साहब आपकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो आपके कोई साथी होंगे, जो कभी सरहद पर कहीं शहीद हो गया होगा, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। हम जब खड़े होकर के कविता पढ़ते हैं तो सरकारें बैठ जाया करती, हमें लिखने के लिए उसे मंच पर पढ़ने के लिए जितने हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, जिस दिन कवि सम्मेलन आप उसने हिम्मत से सुन लिया करेंगे, उस दिन देश की दशा और दुर्दशा सब बदल जाएगी। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा था, एक विद्यालय में एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा तिरंगे में कितने रंग होते हैं। बच्चे ने प्रत्युत्तर दिया, सभी बच्चों ने, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। एक बच्चा बहुत देर से हाथ खड़े करके अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। शिक्षक ने पूछा कि तुम क्या अलग कहना चाहते हो। बच्चे ने कहा कि तिरंगे में 5 रंग होते हैं। शिक्षक ने पूछा कौन कौन सा रंग। बच्चा प्रत्युत्तर देता है केसरिया श्वेत हरा, चक्र का रंग गहरा नीला। और मास्टर जी आप वो 5वां रंग तो भूल ही गए, जब मेरे पिता सरहद पर शहीद होकर आए थे तो उनके तिरंग बदन से लिपटे तिरंगे में लगा उनके खून का लाल रंग, तो आप भूल ही गए।
तब आवश्यकता पड़ती है कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। आखिरी कुछ पंक्तियां निवेदित करके स्थान लेता हूं कि मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सुनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। बस चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। मैंने जिस बात से प्रारंभ किया था, जिस सनातनी संस्कृति से बात प्रारंभ हुई थी, उसी सनातनी संस्कृति की चार पंक्तियां आपकी झोली में डाल करके जा रहा हूं। बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा देवघर में पला बढ़ा, पटियाला में, पंजाब पटियाला में कार्यरत हूं पिछले कुछ वर्षों से। मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि क्या है सनातन धर्म, और लगे कि यहाँ सनातनी बैठे हैं तो एक बार मुझे विदाई की तालियां दे दीजिएगा कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और अगर सिंह हो तो बताना कि सिंह नहीं डरा करते हैं, पहुंचे सरहद के उस पार तक आवाज बड़गांव छठ महोत्सव के इस पावन मंच से, कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, हम हैं संस्कृति के प्रकृति के उपासक, लेकिन हल्के में मत लेना कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते।